बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी आप इस खबर से बखूबी लगा सकते हैं। दरअसल पटना उच्च न्यायालय के जज के सेक्रेटरी के साथ साइबर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि अपराधियों ने फोन पे के जरिए इस ठगी की घटना को अंजाम दिया। अधिकारी के SBI अकाउंट से 1,38,000 की साइबर ठगी की गई। 25 और 26 दिसंबर को साइबर ठगों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं अब जज के सेक्रेटरी ने इस घटना के बाबत डिजिटलाइजेशन का विरोध कर कहा कि इस डिजिटल युग में कोई भी सुरक्षित नहीं है। 2 जनवरी को ठगी की जानकारी होने के बाद कोतवाली थाने में पीड़ित जज के सेक्रेटरी ने इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। सुनिए इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित जज के सेक्रेटरी। अकाउंट से 1,38,000 फ्रॉड के जरिए फोन पे के माध्यम से निकाल लिया गया है। कब की ये घटना है? ये जो दिखा रहा है 26-27 का डेट उसमें दिखा रहा है। 26-27 दो तक हाईकोर्ट बंद थी, हम लोगों ने ये नहीं चेक किया। जब खुली है कल हाईकोर्ट गए हैं, जब अपना अकाउंट चेक किया है तो उसमें बैलेंस चेक किया तो दिखा रहा है इतना। हाईकोर्ट के कर्मचारी? हम हाईकोर्ट के अफसर हैं। सर कैसे ये पूरा चीट हुआ, इसकी कुछ जानकारी आपको मिली? कोई मैसेज आता तब तो, मैसेज जो आती है 20 रुपया का भी, तो पहले आ जाती है कि आपके अकाउंट से 20 रुपया कट रहा है, अगर सही है तो इसको अलाउ करें, नहीं तो इसको ब्लॉक कर दें। तो हम लोग उसको चेक करता, उस केस में कोई मैसेज नहीं आया, अदरवाइज वहीं हम लोग ब्लॉक कर देते। तो साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए? हाँ, पैसा अब निकल गया तो। कुल कितने पैसे निकले? 1,38,000। इसका मामला आपने कोतवाली में दर्ज करवाया है? नहीं नहीं, उस पर दर्ज कराने ही आया है, आपने देख रहा है कि हम दर्ज कराने आया। यहाँ से बोला गया कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, वहाँ 1,00,000 से ऊपर का वहाँ दर्ज होता है, वहाँ चल जाइए, वहाँ देखिए आपका दर्ज हो जाएगा तो वहाँ रिकवरी का चांस ज़्यादा रहता है। वहाँ नहीं करें, हम लोग यहाँ केवल FIR दर्ज कर लेंगे, उसमें रिकवरी की चांस कम रहती है। क्या कुछ परिचय हुआ? परिचय नाम बता दिया, हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जज के हम सेक्रेटरी है, हाईकोर्ट जज के कोर्ट मास्टर होता है, हर कोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय के हम कोर्ट मास्टर। शुभ नाम क्या है? सुनील मिश्रा। मोबाइल नंबर दे दिया है 7635060885। सर ये चीज़ आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से साइबर फ्रॉड जो है एक्टिव हुए हैं और थानों के चक्कर लगाने बड़े पद पर है, जिस तरह से डिजिटल का युग बढ़ा है उस युग में अपना कंट्री सेफ नहीं, आंख मूंद के लागू किया जा रहा है। यहाँ किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको, आप ये यूज़ कीजिए, केवल UPI का प्रचार होता है सब ये सब। ये हम लोगों को भी थोड़ी सी गलती है कि इतना पैसा एक अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। सोच ही रहा था कि एक सप्ताह में इसको अलग कहीं फिक्स कर देंगे, इस बीच में ये घटना हो गई। ठीक है, कोई सेफ नहीं है। मान लीजिए हमारे लिए 1,00,000-1,50,000 महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी आदमी गरीब तबका या जो भी पैसा बचाता है उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो सुना अपने, पीड़ित सेक्रेटरी सुनील मिश्रा ने बताया कि उनके स्टेट बैंक के अकाउंट से कुल 1,38,000 रुपए का साइबर फ्रॉड फोन पे के जरिए कर लिया गया और इसकी जानकारी उन्हें 2 जनवरी को मिली, जब उन्होंने अपने खाते को चेक किया। सुनील बताते हैं कि यूं तो 10 से 20 रुपए ट्रांजेक्शन पर भी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आ जाया करता था, पर इतने बड़े ट्रांजैक्शन का कोई SMS प्राप्त नहीं हुआ और जब उन्होंने 2 तारीख को हाईकोर्ट खुलने के बाद अपने खाते की छानबीन की तो इस पूरे साइबर फ्रॉड की जानकारी उन्हें मिली और आनन फानन में इस पूरी घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराने वो कोतवाली थाने पहुंचे। हाईकोर्ट जज के सेक्रेटरी सुनील मिश्रा ने डिजिटलाइजेशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आज के युग में डिजिटलाइजेशन सफल नहीं है, कोई भी व्यक्ति आसानी से साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकता है और सरकार या पुलिस प्रशासन इस पर नियंत्रण या फिर अंकुश लगाने में असफल साबित होती है। उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने अपने सरकारी अकाउंट के पैसे को अपने निजी अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है।